महाठक सुकेश चंद्रशेखर को लेकर बीजेपी ने अब आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को घेरा है। बीजेपी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ की उगाही की है, तिहाड़ जेल में यह उगाही की है। तो बड़ी खबर आपको देते हैं, सुकेश चंद्रशेखर केस जो कि तिहाड़ जेल में इस वक्त बंद है। सुकेश चंद्रशेखर ये महाठग, 200 करोड़ की ठगी का इस पर पूरा का पूरा केस चल रहा है। कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का नाम सामने आ चुका है जिसको इसने महंगे महंगे गिफ्ट दिए। जैकलिन फर्नांडिस पर शिकंजा लगातार कसता चला, लेकिन अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस मामले में कूद गई और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। तो आपको बता दें, ये पूरा मामला, अब लड़ाई यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो सियासी जंग है वो अब यहां तक पहुंच चुकी है। सत्येंद्र जैन ने सुकेश से 10 करोड़ की उगाही की और यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 10 करोड़ की उगाही तिहाड़ जेल में की गई, सत्येंद्र जैन ने सुकेश से ये 10 करोड़ की उगाही कही है और मंत्री सत्येंद्र जैन ने 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी ली है। ये आरोप बीजेपी के है, बीजेपी का सत्येंद्र जैन पर यह गंभीर आरोप। और एक बार फिर से एक नई सियासत अब इसको देखने को मिलेगी जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार होगा। बीजेपी ने जहां ये बड़े और गंभीर आरोप सत्येंद्र जैन पर लगाए तो अब आम आदमी पार्टी भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देती नजर आ रही है। बीजेपी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने उगाही की है सुकेश से, वो भी जब तब जब वो तिहाड़ जेल में थे। बीजेपी का सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप। प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप है, वो भी 10 करोड़। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी कोई इस आधार में कोई प्रूफ भी सामने रखेगी, किन आधारों पर यह आरोप लगा रही है बीजेपी। मंत्री सत्येंद्र जैन ने 10 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी ली, ये बीजेपी दावा करे, लेकिन दावे के पीछे दस्तावेज क्या? अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अमित, बीजेपी कह रही है 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी ली है, लेकिन क्या कोई प्रूफ भी साथ में रख रही है? आरोपों के पीछे का आधार क्या? राजीव, देखिए इस वक्त एक बड़ा आरोप आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से और उसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि 10 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को दिया था। और प्रोटेक्शन मनी का मतलब यही होता है कि कई सारी फैसिलिटीज उनको जेल में मिले। लेकिन सबसे अहम पहलू यहाँ पे ये है कि क्या कोई दस्तावेज है, क्योंकि जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, जितना संगीन आरोप लगाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से सवाल पूछा जाएगा कि दस्तावेज कहां है। लेकिन फिलहाल शहजाद पूनावाला हो या बीजेपी के अन्य नेता हो, उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर का ऐसा कोई पत्र सामने नहीं रखा है। और अगर इस तरह का लेटर सामने आ भी जाता है तो उसके बाद सवाल उठेगा उसकी ऑथेंटिसिटी पे, कि कितना ऑथेंटिक है, किस सोर्स से आया है, क्या जेल के की जो यूनिट होती है, कई बार चेकिंग की यूनिट्स होती है, वहां भेजा गया है, उसके थ्रू आ रहा है या फिर दिल्ली के LG के दफ्तर से आ रहा है, क्योंकि सोर्स को लेकर कई सारे सवाल जरूर उठेंगे। और निश्चित रूप से यही डिफेंस आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लिया जाएगा कि आप सोर्स बताइए, आप पहले एविडेंस दिखाइए और उसके बाद सोर्स बताइए, क्योंकि बिना सोर्स के इस तरह के संगीन आरोप, जिस तरह क्योंकि ये जो आरोप लग रहा है राजीव, बहुत ही संगीन है, बहुत ही गंभीर आरोप है और दिल्ली के मंत्री के खिलाफ, सत्येंद्र जैन के खिलाफ है, तो निश्चित रूप से सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी आ सकती है। लेकिन सवाल यही है कि डॉक्यूमेंट कहां है, और अगर डॉक्यूमेंट आता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर बहुत बड़ा सवाल होगा कि किस सोर्स से वो डॉक्यूमेंट आ रहा है राजीव। लेकिन फिलहाल ये बड़े आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। केजरीवाल के खासम खास मंत्री सत्येंद्र जैन, जो आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, हवालाबाजी के लिए जिन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, उन्होंने 10 करोड़ रुपए ऐड लिए थे प्रोटेक्शन मनी के नाम पर सुकेश चंद्रन से। सुकेश चंद्रन जो कौन करता है, जो फर्जीवाड़ा करता है, उसको भी फर्जीवाड़ा करके लूटने का काम सत्येंद्र जैन करते हैं। मतलब सोचिए किस कैटेगरी के फर्जीवाड़ा करने के माहिर है वो। और केवल इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने 50 करोड़ रुपए उससे लिए पार्टी पोजीशन देने के लिए। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। तो बीजेपी की तरफ से आरोप, शहजाद पूनावाला ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, आरोप है आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी को अलग अलग मोर्चों पर बीजेपी घेर रहे हैं। सत्येंद्र जैन जिन पर पहले ही एक्शन चल रहा है, वो पहले ही गिरफ्तार हैं, और ऐसे में एक नया आरोप उन पर कि उन्होंने 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी ली है। आम आदमी पार्टी भी हालांकि पलटवार कर रहे हैं। बहरहाल इस बीच में अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी निशाना साधा है और उन्होंने जिस तरीके से देखिए आरोप लग रहे हैं कि दक्षिण भारत में पद के बदले 50 करोड़ लिए गए,
ये मालवीय आरोप लगा रहे हैं, यानी आपके नेता वसूली करते हैं, ये आरोप बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। तिहाड़ में सुरक्षा के बदले 10 करोड़ वसूले गए हैं और सत्येंद्र जैन ने लिए हैं 10 करोड़, ये आरोप सत्येंद्र जैन पर।